घाटी को आतंक मुक्त बनाने का अभियान जोरों पर है। आतंकियों के सफाए के साथ ही सेना ने कई आतंकियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बुधवार को सेना ने एक सर्च ऑपरेशन के में जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए। पुलवामा के राजपुरा में मंगलवार रात से आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए जैश ए मोहम्मद के कमांडर का नाम यासिर था, जबकि दूसरा आतंकी फुरकान विदेशी था, जो आईईडी बनाने का एक्सपर्ट था। काउंटर बहुत एक कामयाब ऑपरेशन रहा है, जिसमें 2 इस तरह के दहशतगर्द मारे गए जो लंबे अरसे से इलाका में एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47, 2 पिस्टल और 15 ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। वहीं श्रीनगर के राजौरी कदर इलाके में आतंकी हमला हुआ। आतंकी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर फरार हो गए। इस हमले में ट्रैफिक पुलिस जवान के जख्मी होने की खबर है। जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आजादी दिलाने के बाद उसे आतंक से मुक्त कराना भी जरूरी है और सेना उसी के तहत आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकी घटनाओं में कमी आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले 3 सालों के पूरे आंकड़े जारी किए। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर लगाम लगती दिख रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया है कि 16 अप्रैल 2017 से 4 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में कुल 843 आतंकवादी घटनाएं हुई। इनमें 86 आम नागरिकों और 78 सुरक्षा कर्मियों की जान गई, जबकि 370 को हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 से 22 नवंबर 2021 तक कुल 841 दिनों में जम्मू कश्मीर में 496 आतंकवादी घटनाएं हुई। इसमें 79 आम नागरिकों और 45 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। यह भी बताया गया कि अगस्त 2014 से अगस्त 2019 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 177 आम नागरिकों और 178 सैन्य कर्मियों की जान ली थी। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.